लोक इंसाफ पार्टी के मुखी सिमरजीत सिंह बैंस उन्होंने वड्डे भरा बलविंदर सिंह बैंस ते वड्डी गिणती दे विच अज समर्थकां दे वल्लों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी पटियाला स्थित रिहायश का घिराओ करन दे लई चाले पाए गए। इत्थे भी दसना बनता है कि लोक इंसाफ पार्टी दे वल्लों अज नाभा फतेहगढ़ साहब ते बरनाला दे विच भी प्रदर्शन किए गए। इन्हां प्रदर्शनों का कारण सी साधु सिंह धर्मसोत जो कि इस वक्त पंजाब दे विच कैबिनेट मंत्री ने उन्हां दे अस्तीफे की मंग। लगातार साधु सिंह धर्मसोत दे उत्ते इस गल का दबाव बनाया जा रहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे विच कथित तौर दे उत्ते कपड़ेबाजी के मामले में उन्हां दा नाम वजन करके अस्तीफा दिता जाए। अज ज्यों ही लोक इंसाफ पार्टी के आगू ते समर्थक कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोठी के वल वधे तो राह दे विच पुलिस दे वल्लों बैरीकेड ला के उन्हां नूं रोक लिया गया ते खूब लाठीचार्ज भी किया गया। इत्थे भी दसना बनता है कि बैंस भरावां ते उन्हां दे समर्थकां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसी बहुत करोड़ी कपड़ा मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जिहड़े एक सीनियर आईएएस अफसर ने अपनी रिपोर्ट के जिक्र किया। असी मंग की मोती महल का घराओ कर चले हैं कि इस मंत्री नूं तुरंत बर्खास्त करो एंड सीबीआई की जांच कराओ क्योंकि केंद्र के फंड है। अज सरकार घबरा चुकी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह घबरा चुके हैं। साड़ी पार्टी के बहुत सारे हज़ारों की गिणती साथी इतने पहुँचने सफल हो गए तो हज़ारों की गिणती के पटियाले आदियां सारिया सड़कों के उत्ते वड्डे नाके ला के उन्होंने उत्थे रोकया तो उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो मैं फिर कहूँगा कि साढ़े इस एजुटेशन तो बाद भी जे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बर्खास्त ना किया मंत्री या सीबीआई की जाँच ना कराई तो लोक इंसाफ पार्टी घर बैठने वाली नहीं। असी पूरे पंजाब के अंदर दलित वर्ग न संबंधित MP एंड MLA इन्हां दे घरां दा घराओ करांगे कि तुसी चुप ते खामोश हो। दलित विद्यार्थियों का भविष्य स्पॉयल खत्म करने वास्ते एडा वड्डा स्कैम असी कांग्रेस के पार्टी के जिहड़े समागम उन्हों का भी दलित विद्यार्थियों को नाल लिजा के इन्हों का जलूस कट के इन्हों का बायकॉट कराया। 144 धारा लगी है फिर भी बावजूद इतना कट 144 तो सत्ताधारी लोगों दियाँ ठगियां ठोरियां लोगों का ध्यान हटाने वास्ते होंगी है। असी ये जो 44 सरकार का एक टूल हैगा इस टूल तो डरन वाले। देश दुनिया से कोरोना महामारी का असर इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वैब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वैब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साड़ी वीडियो कॉल। अफवाहों तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।